साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई दुबई यूएई से रिलेटेड। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के यार क्वेश्चन आ रहे थे और कमेंट्स में व्हाट्सएप पे कि भाई आप ये बताइए, लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पा रहे हैं। खास तौर से वर्क परमिट वीज़ा वालों की मैं बात कर दूं कि उनको अप्रूवल क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि साफ साफ सरकार ने ऑप्शन दे रखा है। एक बार तो सिस्टम बंद कर दिया था, GDRF ICA की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, उसके बाद में दोबारा इसको लागू कर दिया गया। अबू धाबी शारजा में अलग सिस्टम है, दुबई में अलग सिस्टम है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, इसका रीज़न भी बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों ये बता रहे हैं कि सर हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें अप्रूवल रिजेक्ट होते जा रहा है। जी हाँ, जैसे आप उसकी साइट पर जाओगे, GDRFA की साइट पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप जाओगे तो स्टेटस दिखाता है, उसमें रिजेक्ट आ जाता है, रेड कलर में आ जाता है, आगे लिख जाए रिजेक्ट। एक आता है अप्रूवल, उसमें आ जाता है ग्रीन। वो रिजेक्ट क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, तो मैं बता दूं भाई। देखिए, मान लीजिए इसमें कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि आप उस GDRFA लिंक पे जाके आपका पूरा सिस्टम उसको फीड उसको फ्लिप करोगे ऑनलाइन में, तो हो सकता है आपकी कंपनी ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। जी हाँ, एक ये बात हमेशा नोट करें, अगर वो उसमें आपका रिजेक्ट आ रहा है, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कंपनी से संपर्क करें, क्योंकि वो इमिग्रेशन वहाँ पे डिपार्टमेंट में मिलके आपको ये बोल सकते हैं कि भाई हमें इन 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आपको वहाँ से ब्लॉक नहीं करेंगे तो आप अप्रूवल लेके वहाँ पहुँच जाओगे। आगे जाओगे तो कंपनी में काम नहीं मिलेगा तो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी ना फिर, आपको रखने की, आपको खाना देने की वगैरह वगैरह। बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कंपनी से बात पहले कर लें। अगर आपका बार बार अप्रूवल रिजेक्ट होते जा रहा है तो कंपनी से बात करें, आप वहीं से आपका समाधान हो सकता है। अबू धाबी शारजा वगैरह जो जाने वाले हैं भाई, उनको ICA की आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ICA की लिंक पे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप पूरा फॉर्म आप कंप्लीट करें, जो भी उसमें बताया गया है उसके हिसाब से आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं। मंत्र एक ही है भाई, ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आप UAE जा रहे हैं तो दुबई जाने वाले चेक कर लें, GDRFA पे अप्रूवल आपको मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलता है तो आप कंपनी से संपर्क करें, वहीं से आपका समाधान होगा। समझ गए बात को। सेकंड बार अबू धाबी और शारजा जाने वाले भाई, ICA से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए दिक्कत ये हो सकती है, आपको अगर दिक्कत आती है तो टिकट बनाने से पहले आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लें भाई। कहीं ऐसा है कि पहले लोग टिकट बना लेते हैं फिर अप्रूवल लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलिए आपकी कंपनी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि आप वहाँ पर जाएँ, कंपनी के पास काम नहीं है, कुछ भी रीज़न है, तो वो फिर स्टॉप कर देती है, उन बंदों को फ्रीज कर देती है कुछ टाइम के लिए कि भाई इन बंदों को हमें नहीं चाहिए, ताकि वहाँ से फिर आपको अप्रूवल नहीं मिलता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अप्रूवल नहीं मिलने का पीछे यही रीज़न है। तो पहले कंपनी से संपर्क करें, ईमेल से, फ़ोन से, कैसे भी हो, वहाँ से अगर कंपनी बोलती है ठीक है आप आ जाओ, इसका मतलब आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। हालांकि ये जानकारी सिर्फ उनके लिए है जो वर्क परमिट वीज़ा में जाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा वाला को कोई चक्कर नहीं है भैया, वीज़ा लो दुबई सीधा पहुँच जाओ। और अगर आप अबू धाबी जाते हो तो वहाँ अंदर जाने के फिर आप COVID-19 की रिपोर्ट टेस्ट आपको दोबारा से करवानी पड़ेगी, और यहाँ से अगर आप इंडिया से जाते हो तो आपको पता है PCR टेस्ट आपके पास अगर 96 आवर्स पहले का है तो आप आराम से जा सकते हो, रिपोर्ट को साथ में लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये दो अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट।